नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत अभिनंदन। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे चारे के ऊपर आज अपने एक वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। नेपियर घास के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, नेपियर घास है वो बहुत ही प्रोटीन है इसके अंदर, और कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे मिनरल है, इसके बारे में बात करेंगे। और किसान भाइयों, ये जो आप फील्ड देख पा रहे हो, इसमें हम दो केनाल के अंदर है, जो 0.1 हेक्टर के अंदर है, इसकी खेती के बारे में चर्चा करेंगे। पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक चारा है। ये किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मैनपाल जी, मैनपाल जी हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं। मैनपाल जी, अपना मोबाइल नंबर बताएं। 80585 50585। तो ये किसान भाइयों, नेपियर के बारे में बात करेंगे। पशुओं के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक चारा है। गर्मियों में कई बार हमें दिक्कत होती है हरे चारे की, और सबसे जो मेन समस्या होती है, हरे चारे को बार बार बुआई करना। और पशुओं के लिए जब ऑफ सीजन होता है, तो हमें ज़्यादा सर्दी होती है या ज़्यादा गर्मी होती है, तो हरा चारा पशुओं के लिए उपलब्ध होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आज के अपने जो वीडियो कर रहे हैं, उसके बना रहे हैं, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण जो बात होगी वो ये होगी कि गौशाला की जब हम बात करते हैं, गौशालाओं के लिए कई बार चारे की बड़ी समस्याएं हो जाती है, तूड़ी की समस्या हो जाती है, हरा चारा है वो कई बार नहीं मिल पाता है, जिससे हमारी बहुत सी गौ माता है वो मर भी जाती है। तो ये जो नेपियर यदि गौशाला की कहीं जगह पड़ी है, वहाँ पर इसको यदि उगाते हैं, तो लगातार पशुओं के लिए पौष्टिक चारा है वो बहुत अच्छा मिलता है। नेपियर घास की यदि बात करें, तो इसको लगाने के लिए ये जो अपने देख रहे हैं, इसके टुकड़े हैं वो काम में आते हैं। ये हम देख रहे हैं बड है, इसके अंदर कोई बड है, उसके अंदर दो आंख हो सकती है या एक आंख हो सकती है। इसको अपने जमीन के अंदर जो लगाने का तरीका है किसान भाइयों, वो है लाइन से लाइन की दूरी है, हमें 2 फिट के आसपास रखनी है, और जो आंख से आंख की दूरी है वो हमें लगभग 1 फिट के आसपास रखनी है। तो इस तरीके से हम जो हमारी जमीन है, उसको अच्छी तरीके से पहले अपने रोटावेटर है या प्लाऊ हल है, सबसे पहले वो चला करके अच्छी तरीके से ज़मीन को तैयार करना है, या इसके अंदर अपने चीजर प्लाऊ, ये जो अपने एक फील्ड देख पा रहे हैं, इसके अंदर चीजर प्लाऊ का पहले प्रयोग किया गया है, बाद में रोटावेटर चला करके ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। फिर जो अपने हैं 2 फुट वाली 2.25 फुट वाली जो मशीन होती है, उससे बीटी कॉटन की मशीन है वो सबसे बेटर रहती है। अपने निशान लगा देते हैं और मशीन चला करके फिर अपने इसको जो है ज़मीन के अंदर इस तरीके से डाल देते हैं, ये भी बढ़िया तरीका है। और उसका जो लगाने का तरीका, इसको सीधा भी लगा सकते हैं जमीन के अंदर है जो। तो किसान भाई अपने इसके लगाने का मेथड की बात कर रहे थे, तो लाइन से लाइन की दूरी है वो 2 फिट के आसपास रखनी है, और ये जो एक जो पोरी है, पोरी से दूसरे सेट्स की अपनी बात करें टुकड़े की, वो दूरी है लगभग 1 फिट के आसपास रखनी है। लगाने की जो अपने बात चल रही थी, लाइन से लाइन की दूरी है वो 2 फिट रखनी है, और सेट से सेट की दूरी है वो 1 फिट के आसपास रखनी है। तो ये हमें अच्छा उत्पादन देते हैं। लगाने के किसान भाई, इसके 3 तरीके हो सकते हैं। सीधा अपने को स्ट्रेट, ये जो आप देख पा रहे हो, इसके अंदर 2 बड है, तो इसको जमीन के अंदर सीधा अपने 90 डिग्री के एंगल पर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से जमीन के अंदर इसको दबा देंगे, एक जो आंख है वो नीचे चली जाएगी और दूसरी है जो ऊपर रहेगी। और सबसे और जो एक और तरीका है, उसमें ये आंख अपने देख रही है, ये जो इसको अपने 45 डिग्री के एंगल पर भी लगा सकते हैं इस तरीके से, तो हमें ये अच्छी उपज देता है। ये जो अपने एक फील्ड देख पा रहे हैं, इसके अंदर है जो हमने पहले खूड तैयार कर लिए हैं, खूड तैयार करके आप जो देख पा रहे हो, इसके अंदर लाइन से लाइन की दूरी है वो 2 फिट के आसपास है, और जो सेट से सेट की दूरी है वो हमने 1 फिट रखी है। इस तरीके से हम इसको जमीन में है जो लाइन बनी हुई है उसके अंदर डालेंगे, और ऊपर से हल्की हल्की इसके अंदर किसान भाइयों मिट्टी डालेंगे, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास मिट्टी आ जाती है, तो इसमें हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जर्मिनेशन की इसकी बात करें, तो किसान भाइयों इसका जो उगाव है वो लगभग 15 से 16 दिन के अंदर हो जाता है। लगाने के तुरंत बाद हमें ध्यान ये रखना है, इसके अंदर सिंचाई करनी है तुरंत ही। सिंचाई करने के बाद में जो नेक्स्ट सिंचाई है, जब जमीन बदतर आ जाती है, आगे जो हरे चारे में हम सिंचाई करते हैं 15 से 16 दिन में, वो सिंचाइयाँ इसके अंदर करनी है। और जमीन तैयारी की हमने जो बात की थी शुरू में, चीजर प्लाऊ और फिर इसके अंदर है जो रोटावेटर का प्रयोग किया गया, फिर पाटा चलाया गया, और फिर बिजाई मशीन जो बीटी कॉटन वाली, उससे खूड तैयार किए गए,
और शुरुआत के अंदर है जिसके दो कनाल के अंदर एक ट्राली सड़ी गली गोबर की खाद का प्रयोग किया गया। गोबर की खाद का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इसमें हमें बेहतरीन परिणाम मिलते हैं, ज्यादा इसमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे हरे चारे की, तो हरे चारे के अंदर है, इसके अंदर जो प्रोटीन की बात करें तो 10-12% प्रोटीन होती है। और कई प्रकार का ये जो आ रहा है सुपर नेपीरियर के नाम से भी आ रहा है और सीधा नेपीरियर आ रहा है, ये जो हमने एक वैरायटी काम में ली है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो वैरायटी है वो है कोयम्बटूर 5, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। प्रोटीन इसमें लगभग 14% के आसपास मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट है वो पशुओं को ताकत देता है, वो 14-16% होता है। शुगर की बात करें तो इसमें 8-9% है जो शुगर पाई जाती है। मिनरल की बात करें तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, बोरोन है, जिंक है, तांबा, लोहा, जस्ता, ये सारे जो पशुओं की पोषण की आवश्यकताओं का पूर्ति करते हैं। तो बहुत ही अच्छा है जो चारा है। इसकी जो अपने लंबाई की बात करें, कई जो है किसान भाई इसको देरी से कटाई करते हैं तो हाइट इसकी लगभग 10-12 फीट हो जाती है। 10-12 फीट होने के बाद में जो ऊपर का 1/3 हिस्सा है उसको हम पशुओं के चारे के रूप में काम में ले सकते हैं और जो नीचे 2/3 भाग बन गया उसको बीज के रूप में काम लेते हैं, टुकड़ों के रूप में उसको जमीन के अंदर है जो दबा देते हैं जिससे हरा चारा है जो तैयार हो जाता है। और इस तरीके से ये जो है नेपियर है वो पशुओं के लिए बहुत ही पोषण के अंदर काम में आता है। और ये जो अपने फील्ड देख पा रहे हैं हम इसको 2 केनाल के अंदर 0.1 हेक्टर के अंदर है जो उसको लगा रहे हैं और 15 से 18 दिन में इसका अंकुरण हो जाएगा और लगाने के तुरंत बाद में हम इसमें सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद में नेक्स्ट सिंचाइयां हैं जो जमीन के अंदर जब 50% भूमि नमी रह जाए तो इसमें नेक्स्ट सिंचाइयां करते हैं। अब जो समय चल रहा है इसमें ज़्यादा खरपतवार की समस्या नहीं रहेगी। सबसे उचित समय यदि इसके लगाने की बात करें तो वो समय है वर्षाकालीन, पूरे वर्ष भर इसको लगाया जा सकता है। और 2 महीने में इसमें थोड़ी सी अपने लगाने में दिक्कत हो सकती है, एक तो दिसंबर का महीना और एक जनवरी का महीना, तो इसे फरवरी से लेकर के और नवंबर तक किसान भाई कभी भी लगा सकते हैं। सबसे जो बढ़िया सीजन है वो रेनी सीजन है तो पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा पौष्टिक चारा है। और किसान भाइयों यदि हम इसको एक बार लगा लेते हैं, उपज की बात करें तो ये लगभग 7 साल तक एक जगह उपज देता है, तो हमें बार बार हरा चारा लगाने की आवश्यकता है जो नहीं पड़ती है। इस तरीके से किसान भाइयों ये पूरे वर्ष है लगातार पशुओं के लिए अच्छा पौष्टिक चारा है। और ये जो अपने वैरायटी देख पा रहे हैं ये है कोयम्बटूर 5, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। यदि आप इसका सीड उपलब्ध करवाना चाहते हो या लगाना चाहते हो तो राउसर के पास 2 APM जो चक है वहाँ पर सुशील कुमार जी है, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। 7 से 8 वैरायटियां उन्होंने अपने खेत के अंदर लगा रखी है। एक ये जो आप देख रहे हो सेट्स वाली या जिसको अपने कहते हैं पोरी वाली है, इसके अलावा एक पत्तीदार वैरायटी है वो भी उन्होंने है सुपर नेपीरियर घास के नाम से है जो लगा रखी है। उस वैरायटी का जो नाम है वो है सम्राट नेपियर। सम्राट नेपियर जो है वो भेड़ बकरियों के लिए काम में ले सकते हैं, नई वैरायटी है। और जो भेड़ बकरी है उनको पत्तियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि वो ज़्यादा जो सख्त होती है पोरी जिसको अपने कह दें या टुकड़े कह दें वो उसको खा नहीं पाती है, तो उसके लिए जो पत्तीदार नेपियर है वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा पौष्टिक चारा है ये पशुओं के लिए और किसान भाई इसको अपने खेत में काम में ले सकते हैं जिससे किसान की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम से कम आती है। बार बार इसमें है जो अपने बुआई का खर्च जो होता है वो करने की आवश्यकता नहीं होती है, एक बार जो लगाने के बाद में 7 साल तक ये एक जगह उपज देता है, उसके बाद में उस जगह पर दोबारा नेपियर घास भी लगा सकते हैं। और फर्टिलाइजर की यदि बात करें तो किसान भाइयों ज़्यादा फर्टिलाइजर की इसमें आवश्यकता है जो नहीं पड़ती है। एक बार शुरुआत में आप इसमें सड़ी गली गोबर की खाद दे सकते हो, एक ट्राली है वो 2 किनाल के आसपास यदि सड़ी गली गोबर की खाद दोगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि ताज़ा गोबर आप काम में लेते हो तो उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, सेलुलोज है जो दिमक का प्रिय भोजन होता है, तो दिमक का अटैक हो सकता है यदि हम कच्चा गोबर काम में लेते हैं, तो सड़ा गला गोबर है वो अपने को काम में लेता है लेना है। फर्टिलाइजर की इसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। और जब हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई के समय हम जर्मिनेशन होने के बाद में जब सिंचाई करते हैं तो ज़्यादा अपने को यूरिया नहीं है, 5-7 किलो यूरिया है जो प्रति बीघा इस्तेमाल करनी है।
और इसमें माइकोराइजा का यदि प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। और लंबे समय तक चलने वाला हरा चारा है ये, इसको लगाने का मेथड है जो अपने लाइनें तैयार करके और फिर इसको है इस तरीके से लगा सकते हैं। ये आप फील्ड देख पा रहे हो, तो लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और खर्चा भी बहुत कम आता है। पशुओं के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक चारा है, लंबे समय तक ये चारा चलता है। इस तरीके से किसान भाई इसके अंदर आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार अपने खेत में लगाने के बाद में यदि इसकी हाइट 10 से 12 फीट हो जाती है तो ऊपर का जो हिस्सा है उसको पशुओं के चारे के रूप में काम में ले सकते हैं। नीचे जो 2/3 भाग बच जाता है उसे सेल करके और अच्छी है जो कमाई कर सकते हैं। कटाइयों की यदि अपने बात करें तो प्रथम कटाई किसान भाइयों इसकी लगभग 55 दिनों में प्रथम कटाई है जो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट कटाई है वो 40 से 45 दिन में होती है। तो पूरे वर्ष है जो इसकी 5 से 6 कटाइयां हमें प्राप्त हो जाती है। और उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ के अंदर हमें लगभग 3000 क्विंटल है जो हरा चारा है प्राप्त हो जाता है। और जो सेट्स है टुकड़े हैं वो सेल के लिए अलग से हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा पौष्टिक चारा है ये, जो किसान कृषि के साथ साथ में पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो अपने फील्ड देख पा रहे हैं इसमें पहले है जो जिज्जर प्लाऊ से इसको तैयार किया गया, अब अपने देख पा रहे हैं रोटावेटर इसके अंदर चलाया जा रहा है। फिर ये जो मशीन अपने देख पा रहे हैं इससे हैं जो इसके अंदर कूड तैयार किए गए हैं और कूड के बाद में हैं जो इसके अंदर बुआई यहाँ पर स्टार्ट है। तो इस तरीके से किसान भाइयों नेपियर की अपने बात कर रहे थे, पशुओं के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक चारा है, जितनी प्रोटीन की मात्रा होगी उतना मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये अपने मैनपाल जी है किसान, तो ये किसान भाइयों अपने नेपियर के बारे में बात चल रही थी, बहुत ही पशुओं के लिए पौष्टिक चारा है। इस तरीके से किसान भाई अपने खेतों में इसको लगा करके और लंबे समय तक पशुओं के पोषण के लिए ज़रूरी जो चीज़ है हरा चारा वो जो है उपलब्ध करवाया जा सकता है। साथ साथ में गौशालाएं जो हमारी होती है उनके लिए ये बहुत ही वरदान साबित होगा, क्योंकि उनके लिए लगातार है जो हरे चारे की आवश्यकता होती है। कई बार जो अकाल घोषित हो जाता है उस समय है जो पशुपालन के ऊपर है जो दबाव आ जाता है, हरे चारे का मिलता नहीं है, हरे चारे का अभाव होने के कारण में उस समय ये हमारे बहुत ही अच्छी मदद करता है। तो ये किसान भाइयों अपने हरे चारे के अंदर नेपियर घास की खेती के बारे में बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छा पौष्टिक चारा है। तो वीडियो आपको किसान भाइयों कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो उद्देश्य होता है किसानों को जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, ताकि किसान भाई अपने खेत में उसको अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। राम राम जी, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत।